अब मुद्दा नहीं है, अपराध मुद्दा नहीं है, मुद्दा है श्री राम परशुराम, मुद्दा है बाबू वीर कुमार सिंह जी, मुद्दा है भीम, मुद्दा है आरक्षण। परशुराम जी युद्ध लड़े थे अताइयों के खिलाफ, श्री राम दुनिया निर्माण किया था भाई, बाबू वीर कुमार सिंह ने भारत के निर्माण की कल्पना की थी, नफरत फैलाने के लिए, और हम सब लोग परशुराम का फरसा उठा के नफरत पैदा कर रहे हैं, श्री राम का तलवार उठा करके नफरत पैदा कर रहे हैं, बाबू वीर कुमार सिंह का तलवार उठा करके हम सब समाज को बांट रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, चुनावी महीना ही क्यों परशुराम जी, इसके पहले 70 साल क्यों नहीं बाबू वीर कुमार सिंह जी के 25 दिन की छुट्टी की घोषणा की गई, चुनावी माहौल क्यों, परशुराम जी का फरसा चुनावी माहौल क्यों, और आप परशुराम जी निर्माण के लिए और मानव कल्याण के लिए थे कि नफरत पैदा करने के लिए, जितना नफरत हर व्यक्ति के भीतर आप आज पैदा हो रहा है, शायद मुझे लगता है कि अब कोई मतलब नहीं बचा है। और सबसे पहले मैं तो जरूर कहना चाहूंगा कि अपराधी और उन्माद पैदा करने वाला, नफरत पैदा करने वाला जो भी लोग जो चुनावी महीने में वोट सत्ता सियासत की राजनीति के लिए हर इंसान में फर्क कट डाला, हर इंसान में जहर डालने की कोशिश कर रहा है, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए, हैंग कर देना चाहिए। रुपेश जी अब फ्लश बंद कीजिए, फ्लश नहीं जलाना, बोल दीजिए ना, जूते बाहर पड़ गए हैं, ये आईसीयू है ना, हमारी से और इन्फेक्शन हो जाएगा मरीज का, उनकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है सर। अरे नहीं बोल रहे बाहर, एक व्यवसाय की चिंता आपको क्यों है, कोई बचा ही नहीं, जो हालात है जिस तरीके से अपराधी सीधा खुले तौर पर जो अपराधी पहले भी व्यापारियों पर निशाना बनाया किसी भी परिस्थिति में, इतनी बड़ी घटना घटी, इसके पहले भी गोली मार के जख्मी किया और पैसे उससे लेने का प्रयास किया, मोटरसाइकिल लगातार धमकी देकर के पैसे की तसीली करना, वार क्या कहीं ना कहीं किसी न किसी का बर्दस्त है, उसको किसी न किसी पॉलिटिशियन का पदाधिकारी, आखिर वो इतने निर्भीक होकर के किसी को चैलेंज करके गोली मारता कैसे, और अपराधियों को कोई गोली मारने की हिम्मत जहर क्यों नहीं करती। अभी एक मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ हॉस्पिटल, मृत इंसान और मृत समाज के बीच जीवन जीने की रास्ते तलाशे नहीं जा सकते हैं जनाब, कंप्लीट रूप से समाज कोलैप्स कर गया है और इंसान जो है खुद ही मृत हो चुका है, शमशान और कब्रिस्तान ज्यादा बेहतर है बनस्पत इस आम आदमी के बीच रहने, कोई सुरक्षित नहीं, कोई बेटी सुरक्षित नहीं, कोई बच्चा सुरक्षित नहीं, सब मस्त है, और अपराधी बलात्कारियों का समाज में सम्मान बढ़ गया। पता नहीं कौन आइए।
ऐसा कंप्लीट है कि जब तक आदमी पीस नहीं, लव के साथ नहीं जिएगा, अमन के साथ नहीं जिएगा, तब तक लोकतंत्र की परिभाषा नहीं करी जा सकती। और मेरा मानना है कि इस नफरत के बीच लोकतंत्र की परिभाषा खत्म हो चुकी है। इसलिए जनतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र को मारने वाले, चाहे वो उन्माद फैलाने वाले मुसलमान पर कोई हो, जात पर कोई हो, उन्माद पैदा करने वाले, चाहे भगवान और चाहे किसी का नाम लेकर के इंसान में नफरत पैदा करने वाले लोग, उनको अभिनव समाज का बहिष्कार होना चाहिए और अपराधी, बलात्कारी और माफियाओं को सूट एंड साइड करना चाहिए। कोई कंप्रोमाइज नहीं। और ऐसे अपराधी जो लगातार पूर्णिया में व्यापारियों को निशाना और पैसे वसूलते हैं, इन लोगों को कोई जेल भेजने की जरूरत नहीं है। इमीडिएट जहां मिले जनता के हवाले कर दो, अन्यथा उसको सूट एंड साइड करके फेंक दो। कोई रास्ता नहीं। हम अभी अभी ही हम DSP से बात करते हैं, अभी करते हैं, हमें हम अभी एक्शन करवाते हैं। आप बात तो मानिए, हम अभी एक्शन करते हैं। मेरे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए, ये बेटी का लड़का है कि हम पता कर लीजिए, मेरा बच्चा छीन छोड़ी सब मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। अब हमारे को करने तो दीजिए ना।